दोस्तों रियान पराग को लेकर इस वक्त चर्चाएं तेज हो रही है और हर कोई ये बता रहा है कि रियान पराग को ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान इंडियन टीम के लिए चुन लिया गया है। क्या चुन लिया गया है या फिर चुन लिया जाएगा, क्या सच है ये बात या फिर झूठ, इसमें सच्चाई कितनी है कि रियान पराग को सच में पिक किया जाएगा टीम इंडिया के लिए, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों पिछले 1.5-2 सालों में रियान पराग अपने बलबूते में असम की क्रिकेट को जिस ऊंचाई पर लेके गए हैं, ये असम के क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि दोस्तों अगर 5 साल पहले की बात करें तो असम की क्रिकेट को कोई भी हाईली रेट करता ही नहीं था, लेकिन लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 1.5-2 साल 3 साल से असम की क्रिकेट ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। इसमें रियान पराग का सबसे बड़ा हाथ है, इससे हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आईपीएल 2023 में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे रियान पराग को क्या डोमेस्टिक स्तर में जो प्रदर्शन आई है उनकी उसी के बलबूते पर टीम इंडिया में जगह मिली है या फिर नहीं, इसी बात को आज हम क्लियर करने वाले हैं। आखिर ये बात में कितनी सच्चाई है कि रियान पराग को ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए चुन लिया गया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए अगर रियान पराग को चुन भी लिया जाए तो आप हैरान बिल्कुल नहीं होएगा, क्योंकि दोस्तों पिछले 2 सालों में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी जो कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट को बिलोंग करते हैं, इन दो ट्रॉफीज में रियान पराग का प्रदर्शन मैं आपको बता रहा हूँ मान के चलिए विस्फोटक रहा है। सिर्फ विजय हजारे या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ही नहीं दोस्तों, इस बार तो 2023 में रियान पराग ने देवधर ट्रॉफी में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता था। आपको बता दें कि गेंद और बल्ले दोनों के साथ ही रियान पराग का शानदार प्रदर्शन देवधर ट्रॉफी में उभर कर आया था, जिसकी वीडियो हमने पहले ही इस चैनल पर डाल दी है, आप चाहे तो आई बटन में जाकर चेक कर भी सकते हैं। दोस्तों देवधर ट्रॉफी 2023 में शानदार प्रदर्शन, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब, 2022-23 के सीजन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में छक्के पे छक्के, विजय हजारे ट्रॉफी में शतक पे शतक, 3-4 शतक शायद रियान पराग ने पिछले साल जड़ दिए थे, और इस बार जो हाल ही में ख़त्म हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें 10 मुकाबले में रियान पराग ने नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी करते हुए 510 रन बनाए हैं 85 के एवरेज के साथ, और विकेट की अगर बात करें तो 10-12 विकेट शायद रियान पराग ने लिए होंगे। दोस्तों 20 ओवर के क्रिकेट में मिडल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हुए 10 मुकाबले में एज ए कैप्टन भी, कैप्टनी के प्रेशर के साथ भी 510 रन बनाना बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों अगर उनके स्ट्राइक रेट पर आप फोकस डालें तो आप देख सकते हैं लगातार रियान पराग ने हर मुकाबले में 160-70-80 के करीब स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। और एक और बड़ा कीर्तिमान इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रियान पराग को मिला, वो है लगातार 7 मुकाबलों में उन्होंने अर्धशतक जड़ा है। ये सच में एक अद्भुत प्रदर्शन है और इस अद्भुत प्रदर्शन को शायद बीसीसीआई इस बार बड़ी सीरियसली देख रही है, और इसीलिए रियान पराग को शायद इस बार ऑस्ट्रेलिया दौरा में मौका भी दिया जा सकता है। और वैसे भी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बाद बड़े बड़े प्लेयर्स को शायद रेस्ट दिया जाएगा, और इसीलिए रियान पराग का टीम इंडिया में सिलेक्शन होना चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों आईपीएल में भले ही अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाए होंगे रियान पराग, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट पर रियान पराग ने सच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिया है। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बीसीसीआई या फिर उनके जो सिलेक्टर्स हैं वो सिर्फ आईपीएल के प्रदर्शन को ही नापे, और जो खिलाड़ी डोमेस्टिक स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उसके प्रदर्शनों को नज़रअंदाज करता जाए। और वैसे भी दोस्तों रियान पराग को आईपीएल का भी अच्छा खासा अंदाज़ा है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बलिंगा के गेंदों को भी रियान पराग छक्के चौके लगा चुके हैं, तो ऐसे खिलाड़ियों को तो शायद ही बीसीसीआई को इग्नोर करना चाहिए। वैसे भी आजकल रियान पराग अपने गेंदबाजी के साथ भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला चुके हैं, काफ़ी विकेट चटका भी रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो हमें ऐसा लगता है कि रियान पराग को इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सच में मौका दिया जाएगा।